हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज है 1 नवंबर, नवंबर मंथ का पहला दिन है। नवंबर मंथ की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी जो अभी चल रही है ऑप्शंस की, अगर हम उसकी बात करें तो वो एक्सपायरी इस बार थर्सडे को नहीं होके वेनसडे को होने वाली है, 3 नवंबर 3 तारीख को। तो जितने भी लोग ऑप्शन सेलिंग हेजिंग या ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स ट्यूजडे को लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी पोजिशन को आप मैनेज कर लीजिएगा। एक एक्सपायरी जो है एक दिन यहाँ पर पहले वेनसडे को होने वाली है, थोड़ा सा इनको मैनेज करेंगे तो आप ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके बच सकते हैं और अपनी ऑप्शन सेलिंग पोजीशंस को भी थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मार्केट की बात कर लेते हैं। यहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के हम लेवल्स देखेंगे, कहां पर हम इन दो दिनों के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कहां तक मार्केट जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, कौन से लेवल्स होने वाले हैं ट्रेड करने के लिए, क्या हमारा टारगेट स्टॉप लॉस और क्या हमारे प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, यहां पर हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको कहा था 17950 के ब्रेकडाउन के नीचे हम सेल करेंगे, यहां पर हमारे अच्छे टारगेट्स मिले। 17600 का भी टारगेट हमको मिला, मतलब सेलिंग तो हम ऊपर से ही करते हुए आ रहे हैं, बट उसके बाद भी हमको 350 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर सेलिंग में मिला है। पर अगर हम यहां पर इस पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न ऑलरेडी अपनी मूवमेंट दिखा चुका है। यहां पर जितनी मूवमेंट आई उसके बाद में यहां पर साइडवेज हुआ, तो ये पैटर्न नीचे भी उतनी मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, तो यहां पर इस सपोर्ट के आसपास हमने ये भी कहा था 700 के नीचे निकलेगा तो 600 या 550 तक जा सकता है। ये 600 से यहां से रिवर्स हुआ, आज अगेन 950 तक ये ऑलरेडी आ चुका है। अभी 950 पे ये क्यों रुक गया, आज और भी ऊपर जा सकता था। इसका एक ही रीजन है कि पहले जो नीचे आया था मार्केट, यहां पर 950 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट था, इसके नीचे हम सेल किए। अभी यहां से ऊपर जा रहा है तो 950 का लेवल हमारे लिए यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि कल भी कर सकता है अगर एक गैप अप नहीं आता है तो। ठीक है, अभी 950 और 18050 ये वाली जो रेंज है ना, आप देखो यहां पर ये 950 का लेवल इंपॉर्टेंट था, मार्केट नीचे आया अभी ऊपर जा रहा है तो 950 पे के आसपास ही आज इसने क्लोजिंग दी है 945 की। अभी 950 से ऊपर निकलता है तो और कहां पर निफ्टी रुक सकता है, 18050 18060 के आसपास तक रुक सकता है। काफी सारी कंफ्यूजिंग कैंडल्स हैं यहां पर, तो हम कह सकते हैं निफ्टी 18060 से लेकर 18060 से लेकर 17950 ये हमारे लिए फिलहाल नो ट्रेड जोन है। ठीक है, नो ट्रेड जोन है क्योंकि ये यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी सारे पॉइंट्स हैं, मार्केट यहां से ऊपर भी निकल सकता है, यहां से नीचे भी आ सकता है। अभी हम देख लेते हैं एक्चुअल हमें कहां पर ट्रेड लेना हमारा बनता है, कहां पर बाय करना बनता है। तो यहां पर हम देखें ये कौन सा पैटर्न बना के गया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको एग्जैक्ट एक बाइंग ट्रेड आज मिला होगा, अच्छा खासा प्राइस एक्शन के बेस पे। यहां पर मार्केट नीचे आया, एक अच्छा खासा रिवर्सल आया, उसके बाद में मार्केट वापस नीचे आया। अभी यहां पर इसने एक और डब्ल्यू पैटर्न, पहले तो इसने एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहां पर बाद में इसने एक छोटा और डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर थर्ड टाइम इसने एक और यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसके ऊपर निकला तो आपका यहां पर 17825 के ऊपर एक प्राइस एक्शन का बाय ट्रेड बनता था, जिसने आज आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। अभी यहां पर मार्केट हम देख रहे हैं कि कहां पर हम आगे ट्रेड करें, तो सिंपली आपको ये देखना पड़ेगा ऊपर हमारे पास 18060 तक के रेजिस्टेंस है, 18060 तक मार्केट कभी भी रुक सकता है और 17950 के ऊपर निकलेगा तभी बाइंग करेंगे, क्योंकि ये पहले हमारे पास सपोर्ट था। अभी यहां पर अगर गैप अप ओपन हो जाता है और 18060 के अंदर ही यहां पर घूमता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पर अगर ये गैप अप ओपन होके नीचे आके डिप लगाता है और 17950 पे वापस से आके यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, मार्केट अगर ऊपर ओपन हो गया और नीचे आया और यहां पर ये 17950 के आसपास सपोर्ट लेके यहां से वापस ऊपर जाने लगा, तो 17950-960 के आसपास हम यहां पर सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, इधर से हमको एक अच्छा बुलिश ट्रेड ऊपर की तरफ मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए क्योंकि 17950 जो है यहां पर ये गैप अप के अंदर ब्रेक हो रहा है, अभी अगर ये नीचे आया तो ये बहुत ज्यादा भी नीचे गिर सकता है, तो 17950 पे बाइंग करेंगे एक ग्रीन कैंडल देख के या कोई प्राइस एक्शन पैटर्न देख के, पर 17900 का ही हम यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे नीचे निकला तो हम फिर होल्ड नहीं करेंगे, ये फिर हमारे लिए रिस्की हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये और ज्यादा नीचे वापस से गिर सकता है। अभी ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास 18060 के लेवल्स हैं, अगर 18060 से ऊपर ये यहां पर पूरे दिन जैसे मान लो गैप अप ओपन होके यहीं पर साइडवेज रहा और 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद इसने 18060 के लेवल को 18060 के लेवल को ऊपर ब्रेक किया तो यहां पर हम बाय कर सकते हैं, इधर हमें फिर से एक अच्छा बाइंग ट्रेड मिलेगा, फिर आपको नीचे सपोर्ट पे बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर के लेवल्स के आसपास ही अच्छे बाइंग ट्रेड मिल जाएंगे। टारगेट आपके क्या होने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए टारगेट के लिए सिंपली आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि डब्ल्यू पैटर्न जो यहां पर बना है इसकी मूवमेंट यहां पर कितनी है, 18950 से 17600, ठीक है, 350
50 पॉइंट की इस W पैटर्न को बनाने में मूवमेंट लगी है, तो इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है तो ऊपर भी हम 350 पॉइंट का यहां पर टारगेट निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म में या आने वाले स्विंग ट्रेड में 2-3 दिन के अंदर लेके चल सकते हैं। 17,950 के ऊपर अगर 350 पॉइंट जोड़े तो यहां पर हमारा 18,300 का टारगेट निकलता है और एग्जैक्ट ऊपर का रेजिस्टेंस भी देखो हमारा 18,300 का ही निकल रहा है, तो इसी को हम यहां पर परफेक्ट प्राइस एक्शन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। पर हमें यहां पर एंट्री 17,950 पे मिल जाती है तो अच्छी बात है, पर अगर 18,060 के ऊपर भी निकलता है तो भी हमारे लिए यहां पर 18,200 पहला टारगेट, 18,300 भी हमारा सेकंड टारगेट यहां पर होने वाला है निफ्टी के अंदर, ठीक है। एक बहुत बड़ा गैप अप आ जाए तो थोड़ा सा अवॉइड कर देना, थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना, बाय ऑन डिप करना, इतना महंगा मत लेना, ठीक है। अगर ये 17,900 के भी नीचे निकलता है तो फिर से मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा, फिर हमारे सेलिंग ट्रेड बनेंगे, पर सेलिंग ट्रेड हमारे फिलहाल यहां पर नहीं बनेंगे, सेलिंग ट्रेड हमारे बनेंगे 17,800 के नीचे। अभी ये हो गया यहां पर निफ्टी का एनालिसिस। चलिए हम यहां पर निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें यहां पर 2 दिन के अंदर कहां तक मार्केट जा सकता है, क्या हुआ है, तो 18,000 का लेवल अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या कर रहा है, 18,000 के लेवल पे यहां पर 1,25,000 की कॉल राइटिंग है, पर यहां पर आज कॉल अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कॉल राइटिंग तो बहुत हैवी है। कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है उनको लग रहा है कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, 18,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो हम 18 की कॉल को बेच देते हैं, उस वो जीरो हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 18,000 अभी क्या लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है, पर ये इजिली ब्रेक हो सकता है क्योंकि हम ज्यादा टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं ना कि ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन डेटा थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। अभी 18,000 फिलहाल रेजिस्टेंस है, पर 17,000 लॉट्स इसके अंदर से निकल भी चुके हैं जिन्होंने सेल कर रखा था, तो काफी सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि मार्केट 18,000 से ऊपर निकल जाएगा, भैया आज ही अपनी सेलिंग पोजीशन को एग्जिट कर दो, वो और एग्जिट करके गए। और अगर हम यहां पर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम भी बड़ी है, अगर यहां पर ऑप्शन सेलर था तो ये प्रीमियम गिरनी चाहिए थी, पर प्रीमियम बड़ी है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर आज के दिन कॉल बाइंग भी हुई होगी कॉल सेलिंग की जगह, क्योंकि प्रीमियम के अंदर यहां पर गेन आया, ठीक है। अभी अगर हम 18,000 की पुट राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग यहां पर थोड़ी सी है, मतलब पुट राइटिंग ऐसा भी लग रहा है, मार्केट तो 17,950 ही चल रहा है, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा है 18,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो मार्केट ऊपर निकलेगा 18,000 से तभी तो 18 सपोर्ट बनेगा, तो इतने भी बुलिश लोग अभी मार्केट में है जो कि निफ्टी को 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक्सपायरी की मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या हो गए, यहां पर भी हम हो गए बुलिश, इधर भी हमारी कॉल बाइंग हुई है तो यहां पर भी हम हो गए बुलिश, दोनों कॉल एंड पुट 18,000 के लेवल पे हम फिलहाल बहुत अच्छे बुलिश हैं। अभी यहां पर अगर हम बात करें नीचे का सपोर्ट, अगर मार्केट गिरता है तो क्या हो सकता है, सपोर्ट की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, पुट राइटिंग देखते हैं, मतलब 83,000 की पुट राइटिंग यहां पर 17,800 पे है, तो 17,800 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, 17,900 भी करने वाला है क्योंकि इसमें भी 40,000 की पुट राइटिंग है और जिसमें से 20,000 लॉट्स तो आज ही ऐड हुए हैं, तो 17,900 भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है इन केस मार्केट नीचे गिरा तो, पर मार्केट गिरना नहीं है, फिलहाल ऊपर ही जाना है। अगर हम बात करें ऊपर के रेजिस्टेंस की तो ऊपर का रेजिस्टेंस पहला है हमारे पास 18,000, जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि मार्केट अभी 17,950 चल रहा है, अगर 18,000 ब्रेक होता है तो आपको कोई अच्छा डेटा नहीं मिलेगा, यहां पर 18,000 सॉप है, ओनली 70,000 लॉट्स हैं, अगर 125,000 लॉट्स ही यहां पर निकल गए, लोगों ने एग्जिट कर दी अपनी सेलिंग पोजीशन, तो 70,000 भी मैटर नहीं करते, वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर 18,200 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां पर 100,000 लॉट है और इधर पोजीशंस ऐड भी हुई है कॉल राइटिंग की कॉल सेलिंग की, तो 18,200 रेजिस्टेंस है, 18,000 इजीली ब्रेक हो सकता है और 18,100 भी ऊपर की तरफ इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहां पर हम चले, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने काफी कुछ एनालाइज पहले भी कर रखा है क्योंकि आज मैंने भी अपने ग्रुप के अंदर एक अच्छा ट्रेड दिया था, काफी अच्छा प्रॉफिट दिया। अभी वन डे के चार्ट पे हम यहां पर सिंपली चलते हैं, वन डे के चार्ट में आप देखेंगे एक अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश कैंडल बना है, वो भी यहां पर सपोर्ट के आसपास इन लेवल से थोड़ा सा नीचे निकला और अगेन एक ही दिन के अंदर सपोर्ट के ऊपर आ गया। अभी हम बैंक निफ्टी को डिटेल में देखने के लिए 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे। यहां पर देखिए मैंने क्या यहां पर लेवल्स ड्रॉ किए हैं, इधर मार्केट आज मॉर्निंग में इधर साइडवेज चल रहा था तो मैंने एक ऊपर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक नीचे का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये बना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसके बाद में ये राउंड गोला मैंने यहां पर क्यों ड्रॉ किया, तो यहां पर 1 आवर की कैंडल में मैं आपको दिखाऊं तो 1 आवर की कैंडल में यहां पर एक इनसाइड कैंडल थी, अगर इसका लो ब्रेक होता तो मार्केट में सेलिंग आ सकती थी, पर इनसाइड कैंडल का
यहां पर पैटर्न ही नहीं बना, इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट यहां से क्लियर कट बुलिश मार्केट बना। अभी यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, यहां पर सुबह की जो 1 आवर की कैंडल थी इसका हाई था 39500, अभी 39500 का लेवल यहां पर हमारे लिए इधर रेजिस्टेंस काम करता 11 बजे तक। तो मैंने अपने ग्रुप में दिया था 39520 के ऊपर जैसे ही निकलता है आप बाय कर सकते हो। इधर आप देखो जब इसने यहां पर 1:30 के आसपास ब्रेकआउट दिया तो 39520 के ऊपर जैसे ही निकला यहां पर इसने 200 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया, फिर थोड़ी देर साइडवेज होकर थोड़ा और ऊपर गया। मतलब अगर आप 39520 के ऊपर बाय करके 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस देते तो वो आपका ब्रेक नहीं हुआ और यहां से ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट का आपको 520 के ऊपर 300-350 पॉइंट का आपको यहां पर प्रॉफिट मिला है। काफी अच्छा ट्रेड था, सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा था, यहां पर ये साइडवेज हुआ। अगर यहां पर ये इस वाले हाई के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। अभी अगर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर कॉल एंड टिप्स देने का मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा कोर्स है उसी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज मैं लोगों को सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, उन्हीं सारी चीजों को रिविजन कराने के लिए, उन्हीं सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं अपने ग्रुप के अंदर काफी चीजें पोस्ट करता हूँ। जैसे लाइव मार्केट एनालिसिस हो गए, इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के, कहां पर कभी एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो वो भी मैं दे देता हूँ। कॉल एंड स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस अच्छी है ट्रेड करने के लिए, उसके बारे में स्टॉक्स के ब्रेकआउट हो गए, हेजिंग स्ट्रेटेजीज हो गई, ये सारी चीजें मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट करता रहता हूं। तो सिंपली आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, कंप्लीट प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम कर रहे थे। बैंक निफ्टी जो है यहां पर अभी 39800 के आसपास चल रहा है, क्या ब्रेकआउट देखे गया, 39500 का ब्रेकआउट देखे गया। तो बाय चांस अगर नीचे मिलता है, 39500 के आसपास मिलता है तो यहां पर हम इसको बाय कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड हमको नीचे के लेवल पे बाइंग का मिलेगा। ठीक है, अभी नीचे मिलना जरूरी है, अगर गैप अप आ जाता है तो क्या करें, गैप अप आ जाता है तो 40000 एक राउंड नंबर होने वाला है, 40000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज 40000 फिलहाल एक रिजेक्शन लेवल हो सकता है, 40000 से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है। अभी यहां पर अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन दे दे, 40200-300 के आसपास ओपन हो जाए और नीचे आके यहां पर 39750 या 800 पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने लगे, जहां पर इसने क्लोजिंग दी है, ये क्लोजिंग यहां पर कैसे काम करती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्लोजिंग आई है और मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हो गया तो ये क्लोजिंग भी सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट नीचे आएगा, क्लोजिंग को टच करेगा, पिछला जो क्लोजिंग लेवल था और वहां से वापस रिवर्स हो जाएगा। अगर बड़ा गैप अप आ जाता है तो ये क्लोजिंग पे नीचे आते ही आप वापस से सपोर्ट पे 39800-750 के आसपास आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी नीचे गैप डाउन आ जाए तो 39500 के आसपास बाइंग बनेगी, गैप अप आ जाए तो 39800 के आसपास भी बाइंग बन सकती है, पर थोड़ा सा नीचे आने देना। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी यहां पर 40000 के ऊपर आपको 40500 इजीली दिखेगा, पहला टारगेट होगा 40000, ये वाला जो लेवल है यही मैं आपको रिजेक्शन लेवल बता रहा हूं, यहां से रिजेक्ट हो गया तो नीचे आ जाएगा। 40000 से ऊपर निकला तो 40300 तक आपका फर्स्ट टारगेट है, 40500-550 तक आपका सेकंड टारगेट है। बैंक निफ्टी के अंदर रेंज यही लग रही है, 40000 ज्यादा 650 खींच के चले जाएगा और नीचे की रेंज 39500, ये पूरी दो दिन की एक्सपायरी की रेंज लग रही है। तो ट्रेड थोड़ा सा अकॉर्डिंगली करना कि ऐसे नहीं बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए आप फिर भी बाय कर रहे हो और एक्सपायरी आ जाए तो आपकी कॉल वहां पर जीरो हो जाए, तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी को हमने यहां पर एनालाइज कर लिया है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास अभी लेवल जो निकल के आ रहा है 39800 अभी मार्केट चल रहा है, इधर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है 28000 लॉट की, अगर 40000 के पे देखें तो 56000 की कॉल राइटिंग है, मतलब कॉल राइटिंग जैसा मैंने आपको कहा 40000 अभी एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन लेवल है, 40000 से ऊपर निकलता है तो क्या हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है, सीधा 40500 जैसा अभी मैंने आपको बताया, 48000 लॉट्स यहां पर कॉल शॉर्ट किए हुए, बीच का कोई डेटा नहीं है, 40000 के ऊपर 40500 इजीली पहुंचेगा, 40500 भी ब्रेक हुआ तो 40800 भी आपको एक से दो दिन के अंदर इजीली मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम नीचे गिरता है तो सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, सपोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा लॉट है 49000 पुट राइटिंग पे, कहां पर है 39500, जैसे मैंने आपको कहा नीचे आएगा तो 39500 के आसपास बाय कर लेना, 39500 पे अच्छी पुट राइटिंग है, मतलब 39500 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अभी 39800 से 39500 नीचे आना 200-300 पॉइंट में कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए एक ही कैंडल में आजकल 300 पॉइंट का मूव कर रहा है, तो 39500 ऑप्शन चेन के अंदर भी सपोर्ट है, टेक्निकली भी सपोर्ट है, 40000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको देख के ट्रेड करना है और 40500 हमारा एक से दो दिनों का टारगेट है, इजिली आपको अच्छे ट्रेड यहां पर बाइंग वाले मिल सकते हैं। अभी मेरा व्यू है दो दिन का, मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा तो बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करो ना कि सेलिंग की तरफ। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमने टेक्निकली एनालाइज कर लिया, ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी कर लिया, सारे लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे बाइंग के, सेलिंग के और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।